आज कनक्स किचन में बनाएंगे झटपट और इंस्टेंट सांबर इडली, यानी कि इडली हम बनाएंगे बिना झंझट और बिना पीसे, और सांबर तो झटपट से प्रेशर कुकर में तैयार हो जाएगा बिना कुछ अलग से उबाले। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बारीक वाली सूजी ली है, आप चाहे तो मोटी सूजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको पीस लीजिएगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। तो जितना मैंने सूजी लिया था उसकी आधी दही यूज कर रही हूँ। मान लीजिए अगर आप 1 कप सूजी यूज कर रहे हैं तो आप आधी कप यहाँ पे दही यूज करेंगे, और ये कल या परसों की ही दही है, बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी पूरे दही को पहले अच्छे से सोख ले, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, विस्क करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना हो और गाढ़ा सा घोल हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मैश करके ऐसे मिक्स करते जाइए। ये आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। इसमें अभी भी पानी की कमी है, लेकिन इसको अभी हम क्या करेंगे ना, इसको लिड से कवर करके रेस्ट करने के लिए रखेंगे 20 से 30 मिनट के लिए। कम से कम आप 15 मिनट तो ज़रूर रखिएगा। उससे क्या होगा, सूजी थोड़ी सी सेट हो जाएगी, फूल जाएगी, और उसके बाद हम बाकी का पानी इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो करीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, सूजी भी काफ़ी सारा पानी पूरा सोख लिए। तो इस समय आप पानी को एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाइए और गाढ़ा घोल तैयार कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉर्मली हम इडली या डोसा बैटर के लिए तैयार करते हैं। बहुत पतला या फिर बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। तो इतना करने में मुझे करीबन 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगा, तो इसको साइड में रख देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे ना, अपना स्टीमर रेडी रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इडली का स्टैंड पहले से पानी के साथ रख दिया है, इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है, चलिए झटपट से हम इडली मोल्ड्स में इडली डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए इडली मोल्ड्स, आप बड़े छोटे जो भी इडली मोल्ड्स आपके पास है यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए तेल या फिर घी। और उसके बाद हम लास्ट में इसमें डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के फ्रूट सॉल्ट, यानी कि इनो। तो मैं ये ग्रीन वाला यूज़ कर रही हूँ, और मैं 2 टीस्पून इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कप सूजी यूज़ की है। अगर आप 1 कप यूज़ करते हैं तो 1 सैशे से भी आपका काम चल जाएगा। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी झाग हो गई है, फ्रॉथी हो गई है, जो हवा इसमें आई है ना, इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसी की वजह से जो हमारी इडली है ना एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगी अंदर से। ये देखिए काफ़ी सारी झाग आ गई। तो तुरंत ये बैटर हम पोर कर देंगे इडली स्टैंड्स में। तो सारे अच्छे से फिल कर दीजिए, और फिर मैं इसको प्लेस करूंगी स्टीमर के ऊपर। सावधानी से प्लेस कीजिए क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया है कंटेनर। और फिर इसको लिड से कवर करके हम पकने देंगे कितना, करीबन 14 से 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पका देंगे ना तो ड्राई हो जाएगी इडली, और कम पकाएंगे तो कच्ची रह जाएगी। तो करीबन 15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे। ये देखिए इडली अच्छे से फूल गई है, लेकिन पता कैसे चले पकी है कि नहीं, आप नाइफ या फिर टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। अगर एकदम साफ निकली है मतलब कि पक गई है, वरना क्या कर सकते हैं ना, आप ढक के 1 और मिनट स्टीम कर दीजिए, या फिर ढक के बंद करके भी आप रखेंगे तो भी बाकी की कसर पक जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राई ना हो और अच्छे से पक गई है, तो मैं इसको निकाल दूंगी और इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी। तो इसको हल्का सा पहले ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही इसको डीमोल्ड करना है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कोई भी चाकू से या फिर बटर नाइफ से। ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी बढ़िया तरीके से सारी हमारी इडलियाँ एकदम अच्छे से निकल रही है, और काफ़ी एयरी और स्पॉन्जी भी है। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, और अंदर की जाली से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो इसको गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हैं इंस्टेंट सांभर के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप तुअर दाल थोड़ी देर पहले ही भिगा दी थी, करीबन 1/2 घंटा पहले। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। ये देखिए अब अच्छे से फूल गई है, इसको अभी हम पकाना स्टार्ट करेंगे। जिसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई, यानी कि सरसों भी से कहते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1/2 टीस्पून मेथी दाना, यानी कि मेथी के सीड्स। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई स्पाइसीनेस के लिए, 8 से 10 करी पत्ता, क्योंकि इसके बिना तो साउथ इंडियन अधूरा होता है। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हींग फ्लेवर के लिए,
और इन सारे मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काटा है, ऐसे लंबाई में काटा है, और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सांभर के जो प्याज होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, बस इतना कि थोड़े से ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाएँ। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर जिसको भी मैंने ऐसे चॉप किया है, बड़ा छोटा जैसे आपको मर्जी हो आप चॉप कर सकते हैं। कुछ लोगों को ना ऐसा पसंद है कि टमाटर एकदम प्यूरे हो जाए, वैसा पसंद है। कुछ लोगों का छोटे छोटे चंक्स मुंह में आते हैं, वैसा पसंद है, तो अपने हिसाब से आप टमाटर काट सकते हैं। इसको भी मिक्स करेंगे थोड़ी देर जैसे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गाजर ऐसे कटा हुआ, 1 पम्पकिन यानी कि पेठा जो है थोड़ा सा टुकड़ा, उसका मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, ड्रमस्टिक यानी कि सिंगी जिसको मैंने ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है, और कुछ टुकड़े डाले मैंने लौकी के। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 3-4 बेसिक सब्जियाँ डाली जो कि मेरे घर में अवेलेबल थी। आप चाहें तो इसकी जगह पेठा और बैंगन कुछ लोग डालते हैं, वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों को टॉस कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर अच्छे से कलर और टेस्ट के लिए, और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सांभर पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया, आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे सब में मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पानी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली को भिगा दिया था गर्म पानी में, उसको थोड़ा सा अपने हाथों से क्रश करके छान लिया, तो इमली का पल्प रेडी हो गया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसके बदले लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमली से एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो ये देखिए बस हमारा बेस तो रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है क्योंकि प्रेशर कुक भी करने वाले हैं। इस वक्त हम डाल देंगे सोखी हुई दाल और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी करीबन 2 से 3 कप, और इसको ढक के इसमें कम से कम 2 विसल आने देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 विसल आने देंगे। ये देखिए इसका पूरा प्रेशर निकल गया है। लेड हटा के चेक करते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे से पक गई है, ओवर कुक भी नहीं हुई है, और जो दाल है ना वो भी पूरी तरीके से पक गई है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ 2 ही सीटी बजाना है। अगर ज़्यादा सीटी बजा देंगे ना दाल पकाने के चक्कर में, तो आपकी सब्जियां जो है ना सारी टूट फूट जाएंगी। तो इसकी वजह से सिर्फ 2 सीटी के बाद बंद कर दीजिएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, या फिर आप मंदिरे से ऐसे थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, या फिर बैक ऑफ द स्पून से भी आप करेंगे ना तो भी आपकी दाल आसानी से बची हुई पिस जाएगी। तो ये देखिए जो दाल का टेक्सचर है ना वो भी हल्का हल्का सा दिख रहा है, पूरी तरीके से मैश नहीं हुई है, सब्जियां भी एकदम बराबर दिख रही हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही सांभर होता है। तो अब एक्स्ट्रा क्रंच और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अनियन जिसको मैंने ऐसे बल्ब में या फिर टुकड़ों में काटा है। आप चाहे तो मद्रासी अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है। और साथ ही मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ 1 टुकड़ा गुड़ का, आप चाहें तो इसके बदले शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए। तो ये देखिए सांभर एकदम अच्छी तरीके से कर गया है, बॉईल हो गया है। जितना गाढ़ा पतला सांभर आपको चाहिए आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितना झटपट हमारा जो सांभर है एक ही प्रेशर कुकर में बिना अलग से दाल को उबाले जल्दी से झटपट तैयार हो गया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का कंपाइलेशन कैसा लगा इडली सांभर का, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी चीज़ें बना सकूँ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।